वेलकम टू नाज़रीन। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है एलोवेरा जल के बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है, और इस तरह इसका रिव्यू भी हो जाएगा मुख्तसर साके। और इसके अलावा इसके बेनिफिट और इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। इसको इंटरनली भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको खाया भी जा सकता है, और इसके अलावा इसको जो है वो लगाया भी जा सकता है स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। और नाज़रीन, जब भी इसको खाने की बात की जाए एलोवेरा जेल को, तो आप अच्छी तरह तसल्ली कर लें कि कौन सी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। बेहतर यही होता है कि आप जो भी इस्तेमाल करें वो जो है नेचुरल हो, यानी कि ये जो आप मार्केट में जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की आपने इस्तेमाल नहीं करनी खाने में। आप कोशिश यही करें कि अगर आपने खाने में इस्तेमाल करनी है एलोवेरा जेल, तो इसको आप जो फ्रेश जो नेचुरल होती है एलोवेरा जेल, वो खुद निकाल के वो इस्तेमाल करें। और जो अगर आपको चेहरे पे लगानी है, तो कोशिश करेंगे वो भी आप जो है नेचुरली वही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद और किसी कंसल्टेंट से पूछने के बाद ही इस्तेमाल करें कि ये जो पैकिंग वाली है ये खाई जा सकती है कि नहीं, इसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि ये इस तरह की जो है ये फार्म में आती है। इसके अलावा नाज़रीन, ये दो जो है तरह की पैकिंग में आती है। सबसे पहले दो साइज़ की पैकिंग में आती है, ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ये है बड़े वाली और एक जो है वो छोटे वाली होती है। सबसे पहले मैं जो है बड़े वाली इसके बारे में आपसे बताता हूँ। सबसे पहले ये जो सॉरी छोटे के बारे में आपको बताता हूँ, ये छोटी जो है ये जो 150 ml है एलोवेरा जेल, और ये सूथिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के साथ है, यानी कि इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन जो है शाइनी और जो है स्मूथ हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पे एक्नी, पिंपल, डार्क स्पॉट वगैरह है, तो आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें, इससे वो आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी स्किन के ऊपर जो है जो ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आप इसको बालों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बाल ज़्यादा अच्छी तरह ग्लो नहीं कर रहे, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डैंड्रफ, इसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं आपको थोड़ी सी निकाल के दिखाता हूँ कि ये जो है इस तरह कहते हैं, काफ़ी जो है स्मूथ कर रखी हो, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ट्रांसफर है आपने देखी होगी, फिर भी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा नाज़रीन, ये बालों में अगर इस्तेमाल करें, तो आप कोशिश करें कि ये जो है सर की जल्द के अंदर लगाएं, ऊपर ऊपर बालों को ना लगाएं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके बाल जो शाइनी और ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करेंगे। इसके बाद नाज़रीन, मैं आपको बड़े के बारे में बता देता हूँ। पहले मैंने आपको छोटी जो है एलोवेरा जेल है, छोटी जो 150 ml थी वो दिखाई थी, अब मैं आपको 300 ml वाली जो है वो दिखा रहा हूँ। 300 ml वाली भी सेम ही है, इसमें भी सूथिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के साथ है। नाज़रीन, इसमें 99% जो है एलोवेरा जेल है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। नाज़रीन, अब इसके रियल और फेक के बारे में बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो रियल है ये इसी तरह होती है जिस तरह के जो नेचुरल है इसकी फ्रेगनेंस होती है। सबसे पहले आप फ्रेगनेंस चेक कर ले, जिस तरह के नेचुरल एलोवेरा की फ्रेगनेंस होती है, इसी तरह इसकी फ्रेगनेंस होगी। और दूसरा ये कि जब आप इसको खोल के इस्तेमाल करेंगे, निकालेंगे, तो आपको इस तरह लगेगी जिस तरह ये ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा नीड है ट्रांसफर। इसके अलावा नाज़रीन, ट्रांसफर के अलावा जो इसकी थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरह के नेचुरल की होती है काफ़ी ज़्यादा थिक है। इसके अलावा नाज़रीन, इसको आप जब चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करेंगे 1 से 2 मिनट, तो ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कुछ ही वक्त में, यानी कि आप लगाने के सिर्फ 1-2 मिनट में ही अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र होती है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह के नेचर है। इसमें हल्का सा जो है वो भी जो है ब्राउन कलर नहीं होगा, बिल्कुल शफाफ होगी, अगर आप कोई अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप ये जो एलोवेरा जेल मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी कंपनी के लिए, आप किसी भी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन,
नाज़रीन आपने थोड़ी सी मकदार जो है हाथ पे लेनी है। लेने के बाद आपने सारे चेहरे के ऊपर जो है इसको फैला लेना है। इसके बाद हल्के हाथों से इसके ऊपर मसाज करना है 1 से 2 मिनट। आपके मसाज करते करते ही ये अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी। तब अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए तो आप इसी तरह इसको छोड़ दें। आप इसको रेगुलरली सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप जो है किसी अच्छी कंपनी की नेचुरल या आप नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर यही होता है कि आप एलोवेरा जेल जब भी इस्तेमाल करें तो आप जो नेचुरली है वो इस्तेमाल करें, जो कुदरती जो आप खुद तैयार करते हैं घर में या आप कहीं से लेके आते हैं जो लीफ की शक्ल में आती है तो आप वही इस्तेमाल करें। अगर आपको वो सहूलत नहीं मिलती या आपको कहीं से नहीं मिलती तो ही आप जो एलोवेरा जो कंटेनर में आती है ये इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें 99% जो है एलोवेरा है, बाकी 1% जो है वो इसमें केमिकल डाले गए हैं। इसको आप चेहरे के ऊपर जो है वो अप्लाई करके इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन आप इसको खा नहीं सकते, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ जब भी आप इसको इस्तेमाल करें खाने में तो आप जो है जो लीफ वाली है वो ही इस्तेमाल करें, यानी आप कुदरती जो लीफ वाली है वो खुद निकाल के ही इस्तेमाल करें खाने में अगर आपने खानी है। इसके खाने भी के भी कई तरीके हैं जो आपको मैं किसी और वीडियो में तफसील के साथ बताऊँगा। अगर इसी वीडियो में आपको बताने लग गया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पहले ही काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन इसके जो बेनिफिट्स हैं इसकी जो बोतल है इसके ऊपर भी लिखी हुई हैं, मैं आपको इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप उसमें भी आसानी के साथ पढ़ के देख लें कि इसके बेनिफिट क्या हैं और इसके अलावा इसके तरीका इस्तेमाल यूज़ के बारे में भी आपको बता दूंगा। तो नाज़रीन इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी सवाल हो एलोवेरा जेल के मुतल्लिक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। और कमेंट करके मुझे बता दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है कि बुरी लगी है। इस तरह मुझे अपनी गलतियाँ सुधारने में का मौका मिलेगा और मैं ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।